Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Hi guys, तो ये हमारा गेस्ट हाउस होटल और ये हमारा रूम। एंटर करेंगे टाउन हॉल, मतलब जाने का टाइम है इसलिए देखो जाते हुए करते हैं अपन लोग। ये वॉशरूम है, ठीक ठाक। एक मिरर और ये डबल बेड 2000 पर रूम प्लस एक्स्ट्रा बेडिंग 1200 का रूम। फैन वैन कुछ नहीं है, कबर्ड है। बाकी बाहर ऐसे है। ऑल राइट गाइस, टाइम टू लीव नाउ। तो हम चलते हैं यहाँ से, दो हम लोग लेट हो गए हैं ऑलमोस्ट कितना आधा घंटा। पेमेंट कर दिया आपने? सो ये रेस्टोरेंट है इन हाउस, अराउंड 20 पीपल कैपेसिटी। बाकी हम जो रुके थे वो बेसिक रूम में रुके थे। ये जो है दीज आर दी कॉटेजेस, ये थोड़े अच्छे होंगे, अभी तो लॉक है। तो जो मैंने देखा है सुना है ये दीज आर डबल बेड, नीचे डबल बेड ऊपर है अकोमोडेशन। तो यहाँ से निकलेंगे अब हम। चाबी अभी रख ली थी, लेट्स गो। गाड़ी की चाबी हाँ मेरे पास है। गोइंग फॉर दी ब्रेकफास्ट देन विल प्रोसीड। वो है जी हमारा ईटिंग स्पॉट, पिज़्ज़ा कैफे ईटिंग स्पॉट। चलते हैं अभी एंड लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट। चलो भाई सामान वान डाल लेते हैं। तुम डालो पहले, मुझे इसमें से वो निकालना है। मैंने कर दी पानी कर लो, पियो जी चाय। चाय जरूर, चाय चाय बोले, चाय चाय क्यों अचार नहीं खाते तुम? भाई सिरके वाला है। चलिए जी चल रहे हैं हम ब्रह्मस्थली को। राधे, जय माता दी, जय राधे। जंगला बना दिया पूरा इन्होंने मकड़ियों ने। पानी भरना बड़ा मस्त लीक हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ब्रह्मस्थली टेम्पल 8 किलोमीटर है। सूर्य ऐसा बोर्ड दिखेगा आपको, ब्रह्मस्थली 8 किलोमीटर कुंजा खरक ब्रह्मस्थली 8 किलोमीटर। तो यहाँ पहुँचेंगे, एक रोड नीचे जा रहा है, जो शायद किसी का युवा नहीं कहाँ जा रहा है, कोटा बाग जा रहा है। ये ब्रह्मस्थली भैया, ब्रह्मस्थली के लिए ऊपर है इधर ब्रह्मस्थली, ये ऊपर जा रहा है नीचे गुगू खाम गांव, ये जा रहा है जी ब्रह्मस्थली को। लोकेशन ये भी अच्छी, पर यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह आई डोंट थिंक है, एक देखा था पीछे लिखा हुआ। शानदार लोकेशन, डेंस फॉरेस्ट के बीच में आ गए। एक काम दिया, एक काम सिर्फ, दो दिन में एक काम दिया, एक ओनली वन, और वो काम मैंने इसे दिया था। किसे दिया था भाई? मेरे पास कुछ पहुंचा? पहुंचा नहीं, लेकिन बोला था बकवास हमारे ऊपर हुई थी कि राज ही जाएगा।
पूरे दो दिन में भाई साहब एक काम दिया गया। वो काम ही नहीं हुआ जी, मैं रख के घूमा तालेनो से नंगा घूम ले पूरे नैनीताल तक। अभी ब्रह्मस्थली टेंपल पे लगाऊंगा, शर्म नहीं मंदिरों पे जाके लगाओगे नीचे रहते हो हमेशा? हर टाइम दिमाग में ख्याली पुलाव में कोई और काम नहीं है, करता है भैया फोन क्या करता है, तुमने बोला हमने तुम्हें नंबर निकाल के दे दिया। तुझे तो चाहिए ही नहीं थी भाई, गूगल पे गाली मत दे, उसने रास्ता बता देगा तुम्हें कोई और लेफ्ट में काम एक काम दिया वो बनाने के स्टिकर लगाने के लिए, बोला कि राजू करेगा वो काम, अनु भाई ने बड़े प्यार से इनको दिया इन्होंने डाला ठीक है, और अब उन्हीं ख्यालों में ये अपनी तेरा नहीं था, एक बार भी पूछना प्रचार करूंगा वे छोटा बोल बना रखी है बॉडी सी गंदी सी। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी यार। गाइस सो हम ऑलमोस्ट क्या मतलब पहुंच गए हैं बेस पे जहां से एक्चुअल आप ट्रैक करना है। सो ये टेंपल है छोटा सा, बस यहीं कहीं गाड़ी पार्क करनी है और फिर यहां से हमें ऊपर ये जा रहा है ट्रैक। चलिए गाड़ी पार्क करते हैं, ये देखो बाइक की खड़ी, ये भी बुलेट, और जगह अच्छी मिल गई तो यहीं पार्क करेंगे और चलते हैं ऊपर। इधर लगा देते राइट। सो अभी पहुंच गए हम लोग, यहाँ से ट्रैक शुरू है ब्रह्मस्थली का, और जो मुझे पता है गूगल से कि दो ही ब्रह्मा के टेंपल है, एक पुष्कर में जो फेमस है और एक यहाँ पे जहाँ पे ब्रह्मा जी का स्थल है। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है, आप अपना व्हीकल यहाँ कहीं पार्क कर सकते हैं, ये है यहाँ पे आपको रुकना है। और ये रास्ता पूरा हमको एक घंटा लगा है फ्रॉम बंगोट ऑलमोस्ट राइट, 10 मिनट कम 50 मिनट्स। और नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन, तो बेसिकली यहाँ पे लोग जो आते हैं वो आते हैं सारे जो कि नेचर में लाइक बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, उन सब के लिए आते हैं। और यहाँ से भी ट्रैक करना है, जो बताया लोकल्स ने 1.5 किलोमीटर से, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, अभी जाएंगे देखेंगे कितनी देर में पहुँचते। बाकी सब सेल्फी वेल्फी है चल रही है ग्रुप की। चलिए फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम हेयर।